नमस्कार सलाम सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग स्पोर्टिंग एंजल्स एजुकेशनल स्पेक्ट्रम एंड एएमजी भक्ति प्रेजेंट्स एपिसोड नंबर 4 ऑफ आजादी की कहानी एंजल्स की जुबानी। तो आइए आरंभ करते हैं चौथा एपिसोड आजादी की कहानी एंजल्स की जुबानी का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की कहानी का। हम बात कर रहे हैं उन शहीदों के बलिदान की कहानी 1857 में, जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, त्याता टोपे, नाना साहब, बालाजी बाजीराव, हजरत महल और वे सभी नायक और नायिकाएं जिन्होंने पूरे प्रयास के साथ 1857 में भारत को आजादी दिलाने की कोशिश की, वो दूसरी बात है कि असफलता हाथ लगी। कुछ शायद प्रयासों में कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी, बात करेंगे उस पर भी। पर पहले बात करेंगे उनकी वीरता की। हम बात करेंगे उस आम की टहनी की, उस कमल के फूल की और उस रोटी की जो सिपाहियों ने, चौकीदारों ने घर घर तक पहुंचाकर क्रांति का बिगुल फूंक दिया। आज हम बात करेंगे उन साधुओं की भी जिन्होंने हर गांव गांव जाकर, हर नगर नगर जाकर क्रांति का बिगुल फूंकने में सहायता की। तो फिर आइए आरंभ करते हैं चौथा भाग आजादी की कहानी का एंजल्स की जुबानी। माना जाता है भारत के प्रथम राज्य सचिव द्वारा उद्घोषित की गई। ये वो समय था जब राजा राममोहन रॉय, रविंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, एम जी रन्नारे, आर जी भंडारकर, रामकृष्ण परमहंस, ज्योतिबा फूले, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे तमाम समाज सुधारक समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे थे। लॉर्ड डलहौजी की हड़पने की नीति ने भी 1857 की क्रांति के बीच बोए थे। डलहौजी ने भारतीय नरेशों पर से पाबंदी लगाई थी, अगर
उनका अपना पुत्र ना हो तो वे किसी को गोद लेकर राज का उत्तराधिकारी नहीं बना सकते। अपने इस नीति के जरिए डलहौजी ने किसी बहाने से बहुत सी रियासतों को कंपनी के अधिकार में ले लिया था, जैसे सतारा, संबलपुर, सिक्किम, पंजाब आदि रियासतें इसी तरह लिए गईं। किंतु सबसे विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हुई झांसी में। झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु 21 नवंबर 1853 को हुई। मृत्यु से पहले उन्होंने अपने ही कुल के एक बालक दामोदर राव को गोद लिया था। उन्होंने कंपनी को इसकी सूचना दी थी, लेकिन डलहौजी तो झांसी को हड़पना चाहता था। 13 मार्च 1854 को झांसी की रियासत जबरदस्ती कंपनी के राज्य में मिला ली गई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने डलहौजी के आदेश का कड़ा विरोध किया। इस उधर नाना साहेब के साथ भी कंपनी सरकार कुछ कम अन्याय न कर रही थी। इससे नाना साहेब के दिल में घृणा पैदा हुई। 1857 को स्वतंत्रता क्रांति का एक कारण यह भी था कि अंग्रेजों ने भारतीय धार्मिक स्थलों में हस्तक्षेप करके लोगों को अपने खिलाफ कर लिया। इससे चारों ओर असंतोष फैल गया। देश के तमाम वीर नेता विद्रोह के लिए तैयार थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तांत्रे टोपे, वीर कुंवर सिंह, नाना साहब सभी के दिल में क्रांति की आग सुलग चुकी थी। बहादुर शाह जफर ने इन सभी लोगों से संपर्क किया और विद्रोह की तैयारी की। उधर बिठूर में नाना साहब के सलाहकार अजीमुल्ला खान ने एक गुप्त संगठन बैठाया। इस तरह दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर के झंडे के नीचे मिलकर विद्रोह करने का निश्चय किया। इस विशाल गुप्त संगठन के लिए धन की कमी ना थी। सतारा से लखनऊ तक, बैरकपुर से पेशावर तक हजारों राष्ट्रीय फकीर और साधु एक एक गांव और एक एक पलटन में जा जाकर इस विद्रोह का प्रचार करने लगे। ओ करो ये शस्त्र उठा बहारे पु दमन की उतराई, हो करो ये शीश करो कुर्बान अगर वतन पे बनवाई, जननी तुमसे ये करती पुकार चोला बसंती रुत आई, करो ये शस्त्र उठा प्रहार को दमन की रुत आई। सब माँ के हीरे मोती, तिरंगी कुटीर है कोई दोस्त नहीं है, मातृभूमि सदा पवित्र होती, चलो रे जननी से करे ये पुकार चोला बसंती रुत आई, हो करो ये शस्त्र उठा पहाड़े पो दमन की रुत आई।
बिठूर सतारा रानी झांसी वाली दिल्ली लखनऊ अंबाला कालपी वाले हर जिंदगी परवान चढ़ी देश का हर दीवाना रंग के बसंती चोला बना क्रांति कहारे को दमन की उत्तराई ओ करो ये शस्त्र उठा परहारे को दमन की उत्तराई रेजिमेंट पलटन गाँव नगरिया तमाशा पवाड़ लावणिया हर गाँव नगर को कमल रोटी घर घर हर घर आम की टहनिया बजाओ बिगुल करो क्रांति प्रचार को दमन की उत्तराई हो करो ये शस्त्र उठा परहारे को दमन की उत्तराई भारती की हवेली व्याकुल जनता दरिद्रता झेली सशक्त हो खेलो रिपुल की होली धरती माँ भर दो झोली संगठित हो करके करो प्रहार को दमन की उत्तराई तो दमन की उत्तराई तो दमन की रुत्याई रेपो दमन की रुत्याई रेपो दमन की